हाय रोहित, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो मैं मिलने आया हूँ रोहित शेट्टी से, आप सब जानते हैं, कामयाब डायरेक्टर। और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपका ऑफिस दिखाते हुए। भेजा था ये बैट मेरे लिए। क्या बात है, ये उनका बैट है जिससे प्रैक्टिस करते हैं जी। ये साइन है और ये उनका बैट है जी। सो मुझे शौक है थोड़ा सा, मैं ऐसा ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते रहता हूँ जी। और अगर आप ये देखेंगे तो ये लोगों को लगता है कि मतलब जिसने कोई जानता नहीं है, मतलब उसको बता दूँ कि ट्रांसफॉर्मर जो फिल्म आई थी जी, ये उसकी एक्चुअली चार फ्रेम, उसके चार आईमैक्स के फ्रेम हैं एक्चुअली। क्या बात है, ये आपको कहाँ से मिल गया? ये वहाँ से आता है, ये सर्टिफाइड होता है। वाह, ये सर्टिफिकेशन के साथ वैसे ही बाकी। ये आपका ट्रांसफॉर्मर का है। और वो जो अगर आप देखें ये बैट मोबाइल जी, ये भी जब ओरिजिनल कार उन्होंने डिसमेंटल की थी तो उससे उसके पार्ट से ये बनी है। तो ये आपने खरीदा है? हाँ, ये सब कलेक्शन में मैं रखते रहता हूँ। क्या बात है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, यहाँ पे आप जरूर नजर डालिए, फास्ट कार्स आर माय ओनली वाइस। और मैं आपको बता दूं कि आप इनकी फिल्म में गाड़ियां उड़ते हुए देखते हैं बहुत सारी वीडियो। ये वो डायरेक्टर है जो बहुत गोलमाल करते हैं। दस साल से गोलमाल कर रहे हैं। और एक और चीज मैं लोगों को बता दूं कि ये मेरे ख्याल में अकेले ऐसे डायरेक्टर है जिनकी दो फ्रेंचाइजी है, जिसमें एक सिंघम है और दूसरी गोलमाल। और वो भी गोलमाल में भी एक चीज है कि गोलमाल चार, मेरे ख्याल में चार तक अभी कोई फिल्म पहुंची नहीं है। ओरिजिनली एंड ऑफिशियली जो फोर्थ पार्ट किसी फिल्म का बना है वो गोलमाल का इंडिया में, मेरे ख्याल में 7 साल पहले कभी आपने ये कहानी सोची थी? ये हमने जब गोलमाल 3, जैसे गोलमाल 3 का भी यही दौर था उस जमाने के हिसाब से, थिएटर के हिसाब से बहुत बड़ी हिट थी वो गोलमाल 3। तो गोलमाल 3 के बाद ही हमने सोचा था कि अगर गोलमाल 4 जब बनाएंगे या जब भी बनाएंगे तो एक हॉरर एलिमेंट लेंगे। मैंने और जो मेरे स्क्रीन प्ले राइटर है यूनुस सजावत, हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया क्रैक करके छोड़ दिया था, वो कहीं पहुंच नहीं रहा था, बट एक जिस्ट आ गया था कि हाँ इस तरह का हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर हम सब बिजी हो गए, सिंघम बना दी, बोल बचन बन गई, चेन्नई एक्सप्रेस बन गई, सिंघम रिटर्न्स बन गई। सिंघम रिटर्न्स के वक्त हमने उसे उस स्क्रिप्ट को रिविजिट किया और आज 3 साल होने आए हैं शायद सिंघम रिटर्न्स को। सिंघम रिटर्न्स के दौरान हमने इसका काम शुरू किया वापस से जी, अब आगे चल के गोलमाल बना। तो हम लोग आपका ऑफिस दिखाते हैं ऑडियंस जी, फिर बाहर चलते हैं, यहाँ से फिर हम बाहर चलेंगे जी जी। यहाँ से मुंबई का नजारा आप जरूर दिखा दीजिए एक बार अपने कैमरा से। ये बदलता हुआ मुंबई है, मैं आपको दिखा दूं जो आपको आगे चल के नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेट्रो बन रहा है आज से आई थिंक 2 या 3 साल के बाद, और यहाँ पे मेट्रो होगी, लोगों को आने जाने में आसानी होगी। सामने सिनेमा हॉल है, PVR है, आपकी फिल्में वहाँ भी लगी हैं। हाँ, वहाँ पे लगी हुई है, लगी है। टर्न करेंगे तो अभी भी PVR सीसीटीवी मॉल लगा हुआ है वहाँ पर जी जी। और ये एक्चुअली हब है एक तरह से देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का। पीछे यशराज स्टूडियो है, बालाजी है, ई सीरीज है, करण जौहर यहाँ पर है, करण जौहर यहाँ पे है। जो पूरा एरिया ये प्लेट ही पूरा भी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं इसे यहाँ पर। मेरे ख्याल में सिर्फ इतने एरिया में बहुत सारे लोग बस। हाँ, ये पूरा सेक्शन में आधी इंडस्ट्री है आज। मनमोहन देसाई की फिल्मों में या उस जमाने की फिल्मों में मैंने आपके फादर को बहुत देखा जी फिल्मों में। और मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, शेट्टी साहब आपने अगर 70 का सिनेमा देखा है तो शेट्टी साहब को अब 100% पहचानते होंगे। मुझे आज भी याद है था ग्रेट गैम्बर का वो सीन जब वो बकरे लटके हुए बकरे हैं, वो जो फाइट हो रही है उसके अंदर है। या जो मेरे ख्याल में एक फाइट त्रिशूल में एम्बुलेंस वाली फाइट वो सारी बड़ी फेमस फाइट थी। और जब मुझे पता लगा कि आप उनके बेटे हैं तो दिमाग में एकदम सवाल ये आ जाता है कि यार क्योंकि वो एक स्टंट डायरेक्टर, स्टंट भी किए हैं उन्होंने फिल्मों में, तो आपका रुझान स्टंट की तरफ इसीलिए था? शायद इसीलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन से शौक था, मैं ट्रेंड भी हूँ, मैं वीरू जी के साथ मैंने काम किया एक्शन में। वीरू जी मतलब अजय देवगन जी, अजय देवगन वो भी बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे अपने जमाने के, बहुत सारी नई टेक्निक्स उन्होंने लाई उस जमाने में। सो आई थिंक हाँ, DNA में है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में 17 साल की उम्र में आपने असिस्ट करना शुरू कर दिया जी जी। लेकिन वो पहली फिल्म आपको कभी याद आती है जिसको देख के आपको लगा हुआ यार यही मेरी दुनिया है? वो हुआ ये कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि वो दिन याद नहीं है कि कब डिसाइड किया कि फिल्म्स में आना है, क्योंकि माहौल वैसा था घर पे फिल्म का, फिल्म्स का। डैड फिल्म इंडस्ट्री में थे, मॉम भी शायद आपकी मॉम भी मेरी स्टंट आर्टिस्ट थी जी। तो वो दिन याद नहीं है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्मों में आना है। बचपन से ये था कि फिल्मों में ही
आना है फिल्म ही, और बहुत फिल्में देखी, मतलब कुछ मेरे जो करीबी दोस्त हैं या कुछ एक्टर्स हैं वो इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं मुझे फिल्म्स का, कि मैं 70s की 60s की आपको फिल्म बता दूंगा कौन है क्या था। मुझे शौक है, मैं आज भी देखता हूं पुरानी फिल्में। मेरे ख्याल में आप भी 70 का सिनेमा देख के बड़े हुए हैं। मैं 43 इयर्स का हूं, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, थोड़ा सा ज्यादा हूं, मैं 1974 बॉर्न हूं। सो बट उस जमाने में आप फादर के साथ मदर के साथ सेट्स पे जाते थे? मैं बहुत बार गया हूं, बहुत बार, मतलब शालीमार एक फिल्म थी, बिल्कुल वो मैं बहुत छोटा था, वो मेरा पहला ऑर्डर था। अच्छा, तो एक वो नॉस्टैल्जिक फिल्म है उस फिल्म को लेके, बिकॉज जब भी उसका गाना आता है वो टीवी पे आता, तो मैं कई लोगों को बताता हूँ झिंगा लाला झिंगा, वो भी उसमें था, वो मेरा पहला आउटडोर था, ऑफिशियल आउटडोर जिसे कहते हैं, तो वो था शालीमार फिल्म में मैं पहली बार मैंगलोर गया था। कभी ये नहीं सोचा आपने कि फादर है लड़ाई कर रहे हैं और हीरो जो है वो उनको मार रहा है? वो मैंने कहा था, उनको पूछा था एक बार, अमित जी का कोई एक्शन चल रहा था तो कुछ 12-15 फाइटर्स और अमित जी अकेले उनको पूरा दिन मार रहे हैं, तो मैंने शाम को लौटते हुए पूछ लिया डर डर के कि ये थोड़ा लॉजिकली नहीं लग रहा है मामला कि वो अमित जी ऐसे कैसे इन सबको अकेले मार सकते। तो उन्होंने कहा था क्योंकि वो हीरो है, तो वो दिमाग में बात बैठ गई थी कि अच्छा मतलब हीरो है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इस वजह से अब देखो मेरा हीरो भी कहीं भी उड़ जाता है। पर 17 साल की जो एज है वो बहुत जल्दी नहीं थी आपको काम करने के लिए? मुझे जल्दी थी काम करने की। आपको जल्दी थी या मेरे ख्याल में आपके हालात भी वैसे थे, क्राइसिस थी हालात वैसे थे, और फिर ये भी था कि क्या करना है, और ये क्राइसिस फादर के ना होने की वजह से थी, तो फिर ये था कि पैसे कमाने हैं और घर भी चलाना है, सब कुछ करना है और काम भी यही करना है। सो लकीली सारी चीजें सेट हो गई, कुकू जी जो थे कुकू कोहली साहब, फूलर कांटे, तो और अजय से बहुत पुराना रिश्ता है जी, अजय उसमें हीरो थे, उनकी पहली फिल्म थी, और वीरू जी एक्शन डायरेक्टर थे जो मेरे फादर के फ्रेंड थे जी, तो उन वो सारी चीज़ों का मेल हो गया जी, और तो टेक्निकली मतलब मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, और फिर बाय द टाइम सुहाग बनी जिसमें अजय और अक्षय दोनों थे, सुहाग फिर हकीकत, उसमें मैं फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया था, ऑलमोस्ट मैं 20-21 साल का होगा शायद, सुहाग मैंने की, हकीकत की, अक्षय के साथ जुल्मी की, फिर हिंदुस्तान की कसम, प्यार तो नहीं था, राजू चाचा, एंड देन 2003 में आपकी जमीन आई, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान जी। वो जो वक्त क्राइसिस का था, जैसे लोग जिन लोगों ने आपके फादर के साथ काम किया हो, जो फैमिली के साथ काम किया हो, उनके साथ कभी आपने हेल्प मांगी या फैमिली ने हेल्प मांगी काम के लिए, और क्या लोग हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं, आज भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो सब बकवास चल रहा है नेपोटिज्म और ये और वो मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम ही मतलब बहुत ही अलग पोर्ट्रेल हो जाता है इंडस्ट्री का कि सारे ही सेल्फिश लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर तबके के लोग हर फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हेल्प की हमारी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा बच्चन साहब ने भी, अमित जी ने मेरी मम्मी की हेल्प की थी, हमें फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, तो एंड अमित जी के साथ डैड ने बहुत काम किया था, तो उस वक्त अमित जी ने हेल्प की थी। नेपोटिज्म की आप बात कर रहे थे, एक और चीज़ है कि इस इंडस्ट्री में जैसे होता है, आप एक स्टंट डायरेक्टर के बेटे थे जी, ठीक है जी, तो एक स्टंट डायरेक्टर या एक और किसी डिपार्टमेंट में जो इंसान काम कर रहा है उनके बेटे को हीरो बनना या डायरेक्टर बनना एक मुश्किल काम है? नहीं, अगर आपका शौक है, आज कितने हैं, वो वरुण है डेविड जी का बेटा, डेविड जी एक डायरेक्टर है, अजय वीरू जी फाइट मास्टर थे उनका बेटा है, तो ऐसा नहीं है, जिसको जो शौक है अगर वो उसी पे सिर्फ काम करे, और सब बहुत सारी चीज़ों का इसमें मिलन है कि किस्मत आपकी करेक्ट हो, आपके इंटेंशन करेक्ट हो, आपकी मेहनत हो, लगन हो, और आप उस जो आप सोच रहे हैं कि आप उस चीज़ के लिए काबिलियत आप में है या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं कि वो नाराज़ हो जाते हैं कि मैं नहीं मैं, अरे वो क्या है मैं, तो हो सकता है कि आप में वो चीज़ ना हो। आपको तो कभी सुनना नहीं पड़ा ऐसे कि आप एक स्टंट डायरेक्टर के या असिस्टेंट पर्सन के आप बेटे हैं और आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जब आप पहली फिल्म करने गए होंगे या फाइनेंस जुगाड़ करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने मतलब आज तक नहीं किसी ने सोचा। और फिर ऐसे हालात हो गए कि मैंने वीरू जी के साथ काम किया, तो मैंने स्टंट भी किया और मैं डायरेक्शन में भी आया, आपका जो IMDb खोलते हैं ना, हाँ, तो मतलब वो दोनों शौक पूरे हो गए, तो और शायद यही वजह है कि आज मुझे अगर अब जब दिसंबर आएगा तो मुझे काम करते हुए 27 साल हो जाएंगे पूरे 27 इयर्स, मेरे को आज भी वो दिन याद है, 27 साल कंप्लीट करूंगा मैं, 27 साल में एक भी दिन ये नहीं लगा कि अरे यार आज काम पे जाना है। अगर शौक ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है।